वेलकम टू सद्भावना न्यूज़ एंड आई एम पूनम शर्मा। टोक्यो ओलंपिक्स, भारत 119 खिलाड़ियों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए 228 सदस्यीय दल भेजेगा। स्पोर्ट्स न्यूज। भारतीय ओलंपिक संघ आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने मंगलवार को कहा कि भारत 119 खिलाड़ियों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए 228 सदस्यीय दल भेजेगा। ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत के दौरान बत्रा ने बताया कि 119 खिलाड़ियों में से 67 पुरुष और 52 महिला प्रतिभागी हैं। यह ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ियों का दल होगा। उन्होंने कहा, टोक्यो जाने वाला पहला दल 17 जुलाई को यहां से रवाना होगा। इसमें कुल 90 एथलीट और अधिकारी होंगे। पीएम मोदी ने की ओलंपिक जाने वाले 15 खिलाड़ियों से बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओलंपिक जाने वाले 15 खिलाड़ियों से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ी जापान में जमकर खेलें। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। पीएम जिन खिलाड़ियों से बात की उनमें एमसी मैरी कॉम, मुक्केबाजी सानिया मिर्जा, टेनिस तीरंदाज दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव के अलावा भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा शामिल जैसे नाम शामिल थे। इनके अलावा दुती चंद एथलेटिक्स, आशीष कुमार कुश्ती, पीवी सिंधु बैडमिंटन, अलावनल वलारिवन शूटर, सौरभ चौधरी शूटर, शरद कमल टेबल टेनिस, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगट कुश्ती, साजन प्रकाश तैराकी और मनप्रीत सिंह हॉकी शामिल थे। बातचीत के दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, निशित प्रमाणिक और कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद थे। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।